इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने पद्म सम्मान पर सरकार से सवाल पूछा है कि पद्म भूषण सम्मान के लिए उनके नाम का प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया। उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले में दखल की मांग की है। तो साइना नेहवाल ने ये बात कही है, क्या कुछ कहा है साइना नेहवाल ने, आइए सुनते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली आई वुड लाइक टू थैंक मोदी सर। जब भी मैं जीतती हूँ उन्होंने हमेशा मुझे ट्विटर पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, नहीं तो पर्सनली मेरे को उन्होंने सर्टिफिकेट भेजा है, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को जो अच्छा कर रहे हैं आजकल, उन सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, देन आई फील इट्स लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर हिम, क्योंकि आई एम श्योर उन पर भी ये न्यूज़ पहुँचेगी, उनके पास भी ये बात जाएंगी। लेकिन आई होप he looks into it, it'll be great. Obviously he's the prime minister of India, so he will look into it better. तो उन्होंने साफ तौर पर साइना नेहवाल ने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री ने कई बार उन्हें ट्विटर के जरिए और वैसे भी जब भी साइना नेहवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसकी शुभकामनाएं उन्हें दी है, लेकिन पद्म अवार्ड को लेकर साइना नेहवाल ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, मेरा नाम क्यों नहीं भेजा गया, क्या खिलाड़ियों का लॉबिंग करना जरूरी है।